बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहायत ही वाजिब अदब प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख़वातीन हज़रात, मेरे यहाँ पे बैठे हुए कॉलीग्स सबको अस्सलाम अलैकुम। ख़वातीन हज़रात, एक तवील मुद्दत के बाद आप मेहरबानों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला और मैं ज़्यादा देर इस बात पे नहीं जाऊँगा कि किन हालात में हम लोग गुजरे हैं और ये तकरीबन 10-12 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के ऊपर जो पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह हमें दीवार से लगाया गया, मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला किया गया, वो उसके ऊपर हमारे साथियों ने बारहा बार आवाज़ उठाई और अभी भी मुख्तलिफ केसेस में पुलिस हमारे वर्कर्स को, हमारे मुंतखब मेंबर्स को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस केसेस में हमारे लोगों को लेके जा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। ये काम किसी केयर टेकर निगरान सेटअप का नहीं था, उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सीड किया। ये बात कहते हुए इस वक्त यहां पे मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और ये बात जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे बनाएगी, तो ज्यादा दूर आप अपनी याददाश्त पे, जहन पे जोर ना डालें। मुख्तलिफ लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, उम्मीदवारान नहीं होंगे। उम्मीदवारान भी मुल्क में सबसे ज्यादा थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स दायर किए, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे, फॉर्म 45 भी हुआ और सीटें भी 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और प्रूफ करके दिया। ख़वातीन हज़रात, मैं यहां पे ये भी कहता चलूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने और मुल्क के वजीर आजम और दिलों के पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब का, अपनी पार्टी का, जिन्होंने मुझ ना चीज को इस लायक समझा और मुझे नॉमिनेट किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं वजारत उज़्मा के लिए कौमी असेंबली में। इंशाअल्लाह ताला ये जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, ये जीत इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की होगी। और ये भी मैं कहता चलूं कि ये कुर्सी दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अमानत है। हमारा यही ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा यही हदफ है कि हम जितने इलेक्टेड साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस वक्त हम जाएंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों में, हमारा सबसे पहले हदफ है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब को, हमारे जितने सीनियर लीडरशिप की खवातीन जेल में इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे जितने मर्द हजरात सीनियर लीडरशिप जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे वर्कर्स जो इस वक्त, हमारे एक्टिविस्ट जो हमारे सिरों के ताज हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए फिल फॉर हम लोग इकदाम करें और उनको अपने दरमियान और अवाम के दरमियान लाएं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि ये तारीखी कामयाबी, 3 करोड़ से ज़्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पाकिस्तान की अवाम ने दिए, ये इस वजह से हुए कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया और फरिश्तों ने लोगों के दिलों में ये जगह बनाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नज़रिए की, और उसकी वजह से अवाम ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में। और इसके बावजूद कि हमारे पास बल्ले का सिंबल नहीं था, इसके बावजूद कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, इसके बावजूद कि हमारे उम्मीदवारान को उठाया गया, हमारे एक्टिविस्ट को उठाया गया, जेल में बंद किया गया, इजाज़त नहीं दी गई कि हम लोग खुली तरह कैंपेन करें, इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। और इस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों का,
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल जितनी हमारी विंग्स हैं उनका, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वकला हजरात का जिन्होंने हमारे हक में बोला और जिन्होंने ये मूवमेंट में एक हरावल दस्ते का काम अदा किया, और सबसे अहम मैं पाकिस्तान की गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खवातीन हजरात, इस बात को आगे ले जाते हुए यहाँ पर इस वक्त मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह के हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि 180 सीटें हैं हमारी और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। इस पे मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा एक बहुत अहम जोस को कि हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने PTI की चुराई हैं, वो इसी तरह ही धांधली हुई है जिस तरह के रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने कल इंकशाफ किया है, और हम लोग डिमांड करते हैं कि उस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए और उस दिन से डरें जिस दिन सब दुनिया ने, हम सारों ने अपनी कब्रों में जाना है और रब्बुल इज़्ज़त के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी, तो एहलकारों को हमारी कराची की सीट्स फिल फॉर वापस देनी चाहिए। नंबर दो, हम लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कमिश्नर खवातीन और हजरात एक बहुत अहम पोजीशन पे होता है, डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक इंतजामिया के जितने लोग अमूर जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है वो एक इलाके के कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं, और एक कमिश्नर का काम होता है कि ना सिर्फ उन अपने मातहत लोगों की ACR लिखना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखना, बल्कि रोज़मर्रा के उनके टास्क और उनको टास्क करना और उनसे रिपोर्ट्स लेना। तो लिहाजा एक बहुत अहम पोजीशन पे जब एक शख्स उठ के कहता है कि मुझ पर मेरा ज़मीर जो है वो मुझे ये इजाज़त नहीं दे रहा था और मैंने ये बात की है, इंकशाफ की है कि 60 और 70 हज़ार लीड्स के लोगों के ख़िलाफ़ हमने ठप्पे लगाए और उसको हमने रिवर्स किया उस रिज़ल्ट को, लिहाजा ये इस चीज़ की अलामत है कि वो जो लीड की बात कर रहे हैं कि लीड तब आती है जिस वक्त आपके हक में वोट पड़े, सो लिहाजा वो लीड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनको फिल फॉर बहुत आसान है कि वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 जो आपका समरी ऑफ द काउंट जिसको कहते हैं वो असली मानी में वो नोटिफाई करें और उसको इशू करें, क्योंकि वो समरी ऑफ द काउंट या फॉर्म 47 जिस वक्त इशू होगा तो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फिल फॉर उनकी नोटिफिकेशन हो सकेगी और ये जाली फॉर्म 47 को रद्द किया जाए। ये एक या दो दिनों का काम है, इससे ज़्यादा नहीं, घंटों का काम है, इसको फिल फॉर किया जाए। खवातीन हज़रात, मैं ये भी बात कहता चलूँ कि ये जो सिलसिला, ये रिगिंग का प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया गया है, इसको हम मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसको मदर ऑफ ऑल रिगिंग हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और इसको सख्त अल्फाज में इसको रिजेक्ट करते हैं। लियाकत चट्टा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और इसका एतराफ किया कि उन्होंने कहा कि मैंने अवाम की पेट में छुरा घोंपा है, बकौल उनके, लिहाजा ये पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चुराने की कोशिश है जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने बावाज़ बुलंद कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम लोग 180 सीटें दे रहे हैं और वो हमें मिलनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, सारी दुनिया को, बिलखसूस हमारी मुखालिफ पार्टियों को जिनको 40 सीटें भी नहीं मिली, उनको और सबको सुनना चाहिए अवाम की आवाज़, और वो ये है कि लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के नज़रिए को एक्सेप्ट किया है हकीकी आज़ादी के, और वो चाहते हैं कि मुल्क में एक बेहतर पाकिस्तान बने। मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि जो पार्टियाँ इस रिगिंग या इस धांधली के प्रोसेस की
बेनिफिशरीज हैं वो आपस में इस वक्त गुथम गुथा हो गई हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। आपस में उनका बेतहाशा ट्रस्ट डेफिसिट है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन किसकी पीठ में पहले खंजर खोपता है। इसके साथ साथ मैं ये भी बात करता चलूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी उसी बात की अभी इंकशाफ और इंडोर्समेंट की है जो कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने पहले की थी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक इंजीनियर्ड प्रोसेस था और उसका इंकशाफ उन्होंने खुद किया। मुख्तलिफ लोग अभी सामने आ रहे हैं, अल्लाह अल हक है और ये चीज अल्लाह ताला लोगों की जबान से, हमारे मुखालफीन की जबान से खुद बुलवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी इंडोर्समेंट है। इस अमल में मौलाना फजलुर्रहमान ने भी इस धांधली के प्रोसेस के हवाले से बात की है और उन्होंने भी इसका इतराफ़ किया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ जिसपे GDA सिंध में पीर साहब पगाड़ो शरीफ और साथी, उन सारों ने मुजाहरे भी किए और इस चीज़ को हाईलाइट किया, उजागर किया कि धांधली वहाँ पे भी हुई है और एक मखसूस पार्टी को यानी कि पीपल्स पार्टी को या वहाँ पे MQM उसके बेनिफिशरीज हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पे ये बात कहता चलूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इंजीनियर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हुआ, पर पाकिस्तान की मईशत को क्या हुआ? पाकिस्तान की मईशत को जो हिट हुई, ख़वातीन हज़रात, आपकी एक मईशत जो कि 6% ग्रोथ रेट के साथ चल रही थी, GDP ग्रोथ रेट, वो अचानक एक साल के अंदर अंदर -0.3% पे आ गई, मनफी से भी नीचे। इसका मतलब है मईशत का हुजम कम हुआ। वजीर आजम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोविड के बावजूद जो आपकी मईशत है उसका हुजम 6% से बढ़ रहा था, पहिया तेजी से चल रहा था, पैसों की रेल पेल थी, मुलाजमतें बन रही थी, अवाम खुशहाल थी और अचानक वो हजम कम हुआ। बिजली के निरखों में इजाफा 17 रुपए यूनिट से उठ के तकरीबन 85 रुपए यूनिट तक इस वक्त बिजली जा रही है और मजीद बढ़ेगी। आपका गैस की कीमतों में तकरीबन 300 से 400% इजाफा, यानी कि 3 से 4 गुना इजाफा। आपकी अफराद जर, आपकी अफराद जर खवातीन हज़रात 45% से भी ज्यादा गई। कमर तोड़ महंगाई, जिसकी वजह से अवाम बेजार होकर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी मैंडेट दिया। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और इलेक्ट कराया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं, तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो कि इस भंवर से पाकिस्तान को निकाल सकती है और सही रास्ते पर लगा सकती है। इसके साथ साथ मैं फिर रिपीट करता हूं जो मेरे कॉलीग ने और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बात की कि इस मामले का सिंपल हल जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा, फॉर्म 47 फिल फॉर इशू किया जाए ओरिजिनल, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान और उम्मीदवारान कामयाब हुए थे उनको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाए। लॉन्ग टर्म में इसकी इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जजेस होने चाहिए और जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतअन किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे कि क्योंकि उनका नाम यहां पे लिया गया, वो हमारे लिए मोहतरम है, पर क्योंकि उनका नाम लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उससे वो हम लोग एहतराम से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि उसका हिस्सा वो ना बने और एक इंडिपेंडेंट पैनल के तौर पे, एक जुडिशल पैनल के तौर पे साफ शफाफ जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को हमने ये बताना है, इस पूरे मुल्क की अशराफिया ने बताना है, इस पूरे मुल्क के सिस्टम ने बताना है कि मैंडेट चोरी नहीं हो सकता और जो कोई ये करेगा उस पर भी उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और इस तरह यहाँ पे मैं एक और भी बात यहाँ करूँ कि पेशावर में भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के एहलकारों ने मिल के पेशावर की हमारी 7 से 8 सीटें सूबाई असेंबली की,
वहाँ पे उन्होंने इंजीनियर की और इसी तरह इंजीनियर्ड रिगिंग के तौर पे जिन हमारे साथियों की लीड्स जिसमें तैमूर खान झगड़ा शामिल है, जिसपे हमारे कामरान बंगिश साहब शामिल हैं, मुख्तलिफ हमारे साथी उसमें शामिल हैं, उन सारों से वो सीटें छीनी गई और किसी और साथियों को जिन और लोगों को डिक्लेयर किया गया उस पर भी हम लोग फिल फॉर डिमांड करते हैं कि उनको भी विनर डिक्लेयर किया जाए जिनका असली हक है और जिनको मैंडेट मिला था। ये सब साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और इंशाल्लाह ताला आखिर में मैं कहूंगा कि हम सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वर्कर्स हैं और वो असली वजीर आजम हैं जो कि अवाम की दिलों पर राज करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जितने साथी थे उन पे मुतद्दद एफआईआर मुख्तलिफ जगहों पे हुई। मेरे पास न सुलेमानी टोपी है ना जादू की छड़ी है। मैंने जो ट्रांजिट बेल ली है और मैं मशकूर हूँ चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट का, मुझे मुख्तलिफ अदालतों में हाजिर होना पड़ेगा कि एक वक्त तकरीबन 8 शहरों में एक टाइम पे मुझ पर जो एफआईआर हुई हैं तो मेरे पास या उड़न तश्तरी भी होती तो हर जगहों पे या सुलेमानी टोपी भी होती, मैं हर जगह पहुंच नहीं सकता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बोगस एफआईआर्स की क्या नौइयत है। किसी किस्म की उस पर नौइयत है ही नहीं और हमारे सब वर्कर्स के ऊपर जो ये बोगस एफआईआर्स बनी हैं वो इस चीज़ की अलामत है कि सब समझते थे, लोग समझते थे कि इनको दीवार के साथ लगाएंगे ये टूट जाएंगे, पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम लोग अपने लीडर और अपने कायद इमरान खान साहब के नज़रिए पे बिलीव करते हैं। हम लोगों का यकीन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम लोगों ने अपने मौकफ पे हम लोग डटे रहे और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं इसका जवाब देके फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी एक एमिनेंट लॉयर हैं मुल्क के। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सवाल जिन लोगों के बारे में उन्होंने बात की है वो खुद उसका जवाब दें। हमारी सिर्फ डिमांड है, हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून पर बिलीव करती है। हम लोग ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोगों का नाम जो इस पर अक्यूज हुए हैं वो इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं होना चाहिए और साफ शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि एक इंक्वायरी के पीछे रिजल्ट डिले नहीं होना चाहिए। फिल फॉर आप फॉर्म 47 के तहत जो असली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीता है उनको विनर डिक्लेयर करें और उसके बाद इंक्वायरी जरूर करें और साफ शफाफ इंक्वायरी करें। बहुत क्लियर, मैंने अपनी प्रेस टॉक जिस वक्त शुरू की थी मैंने ये बात कही थी और यहाँ पे हमारे चेयरमैन भी हैं, हम सारे यहाँ पे जिम्मेदारान बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में और सूबों में इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाने जा रही है। हमारे पास नंबर्स हैं और हम लोग प्रूव करेंगे। नहीं, इस वक्त नहीं है।
ये हम सब ये सारे हमारे बड़े करीबी साथी हैं और इंशाल्लाह ताला इनके साथ हम खुद अपने मामलात खुद डील कर रहे हैं और आपको एक दो दिन में सब क्लियर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है आपका जनाब। आप ये पूछें, ये सवाल पूछेगा जी आप ज़रूर लियाकत चट्ठा साहब से, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ यहाँ की है। हमें ये मालूम है कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि उन फॉर्म 45 के ऊपर हमारा फॉर्म 47 होना चाहिए। आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, हम लोग भी मुहिब वतन हैं। इमरान खान साहब ने बारहा बार बात की है कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, और मेरी जान भी पाक फौज के हवाले और आर्म्ड फोर्सेस के। हम लोग अपने पाक फौज, पाक फजाइया, पाक आर्मी, जितने हमारे मुसल्ला फौज के साथी हैं उन सारों के लिए हमने हमेशा सपोर्ट किए, और हमारी मिलिट्री होगी, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी तो ज्योग्राफाई सरहदें मजबूत होती हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज़ मुझे कम आई है। आपने ये पूछा है कि हम लोग कैसे कंटेस्ट करेंगे। हम लोग देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स हमारे पूरे हैं, नंबर एक। हम लोग कंटेस्ट, जिस तरह की मैं फिर दोहराऊंगा, पहले लोग पूछते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान किधर से आएंगे, पोलिंग एजेंट्स किधर से आएंगे। हमने प्रूफ किया, रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ इमरान खान साहब की गाइडेंस थी, हमने प्रूव किया। इसी तरह हाउस के अंदर किसके साथ रابطे करने हैं, किन मेंबर्स के साथ करने हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी टीम मौजूद है, हमारे चीफ पेप यहाँ पे मौजूद हैं, चेयरमैन साहब हैं, बैसियत मैं खुद हूँ, रऊफ हसन साहब हैं, हमारे सारे टीम के मेंबर्स हैं, और वो हमारा काम है कि हम लोग कैसे हाउस के अंदर जाके अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। बहुत शुक्रिया।